आज हम आपको dictation.io के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक फैसिलिटी है जिसमें आप जो बोलिएगा वो आपका टाइप हो जाएगा। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा dictation.io, dictation.io। जब आप उसको लिखिएगा तो आपके सामने इस तरह का कुछ आएगा, जिसमें आपको इस तरह का कुछ आएगा इंटरफेस, जिसमें आपको वॉइस कमांड को सेट करना पड़ेगा। वॉइस कमांड को सेट करने के लिए उसको क्लिक करिएगा। हिंदी अगर सेट करते हैं तो इसमें हिंदी सेट हो जाएगी। फिर वॉइस डिक्टेशन करिएगा। वॉइस डिक्टेशन के लिए लॉन्च डिक्टेशन करना पड़ेगा, और लॉन्च डिक्टेशन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप अपनी बातों को बोलकर टाइप कर सकते हैं। तो उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो करता है कि नहीं करता है। सो अब इसमें इंटरफेस कैसा दिख रहा है आप खुद ही देखिए। 20-200% करने पर इंटरफेस इस तरह से कुछ आया, जिसमें वर्ड जैसी फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब इसको स्टार्ट कर लीजिए जिससे कि कैप्शन फाइल भी बन जाए। तो उसके लिए हमें नीचे जाकर स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टार्ट करिएगा वैसे ही वो लिखना शुरू कर देगा। इसमें आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, हाइलाइटर, लेफ्ट, नंबरिंग टेक्स्ट की या बिना नंबर के टेक्स्ट ले लेगा, लेफ्ट अलाइन करेगा, राइट अलाइन करेगा ऑप्शंस को, और एंटर यूज़ करेगा। TX इज फॉर PC के लिए इसको यूज़ करेगा। अब नीचे जब हम आते हैं तो नीचे आपकी फैसिलिटी जो मिलती है उसमें आपको कॉपी करेगा, सेव करेगा, पब्लिश करेगा, ट्वीट करेगा, प्ले करेगा टेक्स्ट टू स्पीच को, जो फाइल आप सेव कर दीजिएगा उसको स्पीच फॉर्म में दिखाएगा, ईमेल करेगा, प्रिंट करेगा PDF फॉर्म में, और क्लियर करेगा आपके जो डिक्टेशन आपने नोटपैड में दिया है। इवन आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब देखिए जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सारा इसमें टाइप हो गया। तो ये कैप्शन बनाने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप इसको यूज़ करके अपने वीडियो का कैप्शन बनाइए, और स्क्रिप्ट पहले से जब आप बनाए रहेंगे तो जैसा आप बोलेंगे वैसा वो इसमें टेक्स्ट बना देगा। इस टेक्स्ट को आप वर्ड में UTF फॉर्म में सेव करिए, और जो फाइल सेव होगी उसको अपने वीडियो में कैप्शन सेक्शन में अपलोड कर दीजिए। तो जो आप वीडियो में बोल रहे हैं वो एज इट इज़ आपका कैप्शन फॉर्म में दिखने लगेगा। अगर आप कैप्शन को जो हिंदी में बोला है इंग्लिश में दिखाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर इंग्लिश सेट कर दीजिए तो वो इंग्लिश में दिखाने लगेगा। जिससे क्या फ़ायदा होगा, आप किसी दूसरी कंट्री में जब अपने वीडियो को भेजिएगा तो वो आपकी बातों को इंग्लिश में भी समझ पाएगा और हिंदी में भी, क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश में दिखाता है, तो दोनों लैंग्वेज आपकी आएगी। जब आप पूरा ये वीडियो बना लीजिए तो उसको सेव कर दीजिए तो वो TXT फॉर्म में सेव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ऑल सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, और मेरे टेक रतन को टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए जिससे आपको कुछ सुविधा मिल सके, और बेल को प्रेस करिए जिससे आगे भी वीडियो इस तरह के देख पाइए आपकी फैसिलिटी के लिए। सो थैंक यू व्यूवर्स, प्लीज़ रन माय वीडियो फॉर वॉच टाइम। आई नीड वॉच टाइम, हमको वॉच टाइम चाहिए। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को रन करिए,
सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। जब आप कर लीजिए तो इसको सेव कर दीजिए। अब इसको हम सेव करेंगे, तो सेव बटन पे जब हम दबाएंगे तो ये डिक्टेशन हमारा सेव हो जाएगा। ये देखिए डिक्टेशन हमारा सेव हो जाएगा, इसको सेव कर देंगे। जब सेव हो जाएगा तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और बाहर निकल आएंगे। So this is all today viewers. If you like it, please share and subscribe. Thank you.